नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सुमित प्रजापति आप सभी का शिव तो आयुर्वेद स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा गाउट पे तो आइए बिना कोई देर किए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि गाउट होता क्या है गाउट इज एन इंफ्लामेटरी एंड मेटाबोलिक डिसऑर्डर दैट अफेक्टिंग ज्वाइंट

गाउट के अंदर इस जॉइंट्स के अंदर कुछ क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं ये क्रिस्टल्स के बने हुए होते हैं मोनोसोडियम ऑफ यूरेट मोनोसोडियम ऑफ यूरेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इसके अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और डिपॉजिट होने के बाद में ये जॉइंट्स के अंदर इंफ्लामेशन शो करते हैं इसको ही हम गाउट बोलते हैं एंड क्रिस्टल में भी डिपोजिटेड इन ज्वाइंट और इन सॉफ्ट टिश्यूज लाइक कार्टिलेज जो भी के बीच की जो कार्टिलेजेस होती है उनमें उनमेंट हो सकते हैं या कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट हो सकते हैं वेरियस साइट्स के ऊपर इट मे लीड टू इंफ्लामेटरी चेंजेस इन जॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही यूरेड क्रिस्टल्स उसके अंदर डिपोजिट uh, होंगे तो इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है हाइपर यूरिसीमिया इज टू मच यूरिक एसिड इन ब्लड कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ शार्प शार्प इन एंड क्रिस्टल यानी नीडल शेप के क्रिस्टल्स होते हैं ये नीडल शेप के क्रिस्टल्स जब आ, जो होते हैं ये यूरिक एसिड और सोडियम की रिएक्टिविटी से बनते हैं मोनोसोडियम यूरेट कहलाते हैं और ये जॉइंट्स और किडनीज के अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं इस कंडीशन को ही हम हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं नॉर्मली जो यूरिक एसिड का लेवल होता है प्लाज्मा में वो होता है दो से सात मिलीग्राम पर डेटर लेकिन हाइपर यूरिमिया में प्लाज्मा यूरिक एसिड का लेवल सात मिलीग्राम पर डीएल से भी ऊपर चला जाता है आ, मेल्स के अंदर और फीमेल्स में छह मिलीग्राम पर डीएल से भी ऊपर जाना जब चला जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन बोलते हैं ओवर द टाइम इन ज्वाइंट इज कॉजे डिस्ट्रक्शन ऑफ ज्वाइंट लीडिंग टू आर्थराइटिस लेकिन जब Uh, एक बार अगर एक्यूट uh, अटैक हुआ तब तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं बहुत वैसे तो पेनफुल एंड स्वेलिंग वाली कंडीशन होगी टेंडर वाली कंडीशन होगी लेकिन अगर ये अटैक्स होते रहते हैं तो ओवर द टाइम ये क्या करते हैं जॉइंट्स के बीच के स्पेस को और उनकी कार्टिलेजेस को डिस्ट्रक्ट करने लग जाते हैं डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं जिसकी वजह से इन द एंड आर्थराइटिस की कंडीशन पैदा होती है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म समझते हैं यानी कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है बॉडी में उसको समझना भी जरूरी है तो सबसे पहले है डाइट्री प्यूरिन जो कि हम खाना खाते हैं जो भी हम डाइट्स लेते हैं उस डाइट के अंदर जो भी प्यूरिन हमारी बॉडी के अंदर जाती है एक तो सोर्स वो हो होता है दूसरा सोर्स होता है एंडोजिनस प्यूरिन यानी कि बॉडी की जो सेल्स होती है सेल्स में डीएनए होता है उस डीएनए के डिस्ट्रक्शन से आ, जो भी प्यूरिन पीरिमिडिन निकलती है तो uh, तो इन तो इस डीएनए से जो निकलने वाला प्यूरिन होता है वो एंडोजिनस प्यूरिन कहलाता है तो हमारी बॉडी में प्यूरिन के दो सोर्सेज होते हैं एंड एंडोजिनस प्यूरिन इन दोनों का ही डिग्रेडेशन होने से एक बनता है आइनोसिन आइनोसिन का जब डिग्रेडेशन होता है तो वो बनता है हाइपो हाइपोजेंथिन के ऊपर जेंथिन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम काम करता है जो उसको तो एक्सक्रीट होता है और कुछ पार्ट इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट होता है तो यूरिक एसिड बनने का सीधा साधा फॉर्मूला है मेथड है कि बॉडी में जब बहुत ही ज्यादा प्यूरिन बनने लग जाता है तो उस प्यूरिन के मेटाबोलिस

जो मैंने आपको बताई दिया बेसिक स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ डीएनए क्योंकि हमने छोटे क्लास में देखा ही है कि डीएनए में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होती है बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें प्यूरिन पिरिमिडिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये आसानी से ब्लड के अंदर घुलता नहीं है इसीलिए ये यूरिन के थ्रू अः बाहर निकल जाता है हाइपर यूरिसीमिया क्या कहलाता है वैसे तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि यूरिक एसिड का लेवल जब सेवन एम जी पर डीएल से ज्यादा हो जाता है तब हम उस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं लेकिन इसमें भी देखते हैं कि व्हेन यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड आर ग्रेटर इज 7.4 देन यूरिक एसिड रिलीज हाइड्रोजन आयन एंड मेक एं यूरेट आयन सोडियम अटैच विद इट दैट एंड मेक मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल यानी कि यूरिक एसिड जो होता है यूरिक एसिड की जब पीएच बहुत ही मतलब के बॉडी की पीएच जब बहुत ज्यादा हो जाती है हो जाती है ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल भी सिक्स पॉइंट एट मिलीग्राम पर डेसी लीटर से ज्यादा हो जाती है तो यूरिक एसिड जो होता है वो अपने मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है और ये हाइड्रोजन आयन जब रिलीज हो जाता है तो यूरिक एसिड से यूरेट नाम का आयन भी बनता है ट आयन से फिर सोडियम आके जुड़ जाता है और ये सोडियम जब जुड़ जाता है तो ये कौन से क्रिस्टल बनाते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बनाते हैं जो कि इनसोल्यूबल होते हैं कॉजेस क्या होते हैं मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल कैन बी फॉर्मड इन इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्यूरिन जब हम प्यूरिन का बहुत ही ज्यादा कंजप्शन कर लेते हैं क्योंकि प्यूरिन के दो ही सोर्सेज मैंने बताए थे एक था डाइट्रोप्यूरिन और दूसरा होता है अपनी बॉडी के अंदर जो एंडोजिनस प्यूरिन होता है यानी कि डीएनए या डीएनए के डिग्रेडेशन से जो प्यूरिन निकलता है वो तो इंक्रीज कंजप्शन ऑफ प्यूरिन जो भी हम शेल फिश यानी कि आ, समुद्री जो भी हम खाना खाते हैं शेल फिश खाते हैं रेड मीट होता है ऑर्गन्स मीट होते हैं ऑर्गन्स कौन कौन से लाइक लीवर किडनी स्प्लीन इनको जब मनुष्य खाता है तो इनसे भी एक्सेस अमाउंट के अंदर बॉडी में प्यूरिन जाता है और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन यदि हमारी बॉडी में ही बहुत ज्यादा प्यूरिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने लग जाए तो हो सकता है तो वो किस कारण से होता है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बेवरेजेस हम ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स या फिर ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं जो कि हाई फ्रक्टोज कंटेंट वाले होते हैं जिनमें फ्रक्टोज एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है तो ये फ्रक्टोज जो होता है वो इन द एंड प्यूरिन के अंदर चेंज होता है और जब ये एक्सेस अमाउंट में प्यूरन्स में चेंज होंगे तो एक्सेस अमाउंट में ही यूरिक एसिड बनेगा ऑफ़ यूरिक यूरिक एसिड एसिड कि बॉडी में में नॉर्मल अमाउंट बन रहा है लेकिन उसको हम आगे फिल्टर करके एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड एक्सेस अमाउंट के अंदर बढ़ जाएगा वो किस कंडीशन में होगा डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हो सकता है कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है तो वो uh, तो वो यूरिन को पास नहीं कर पाएगी जब यूरिन पास नहीं करेगी तो यूरिक एसिड भी नहीं निकलेगा अल्कोहल कंजप्शन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कर लिया जाता है तो तो भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है इसके अलावा ओबेसिटी डायबिटीज मेलाइटस या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो तो भी ये प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पाते हैं इसके अलावा कीमोथेरेपी रेडिएशन एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बनने के कारण हो सकते हैं इसके अलावा कुछ होती है लाइक एंड एस्पिरिन ये जो होती है ये भी यूरिक एसिड के फॉर्मेशन को कुछ तो बढ़ा देती है और कुछ उसको निकलने में प्रॉब्लम uh, करती है जिसकी वजह से भी मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बॉडी में एक्सेस अमाउंट में बढ़ने लगते हैं अब हम देखते हैं साइन एंड सिमटम्स तो गाउट मोस्टली अफेक्ट फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट ऑफ बिग टो कॉल्ड एस पोडाग्रा यानी कि गाउट जो होता है उसका मेन क्लिनिकल सिम्टम यही होता है कि आ, सबसे पहले जो अफेक्टेड ज्वाइंट होगा वो फर्स्ट मेटाटार्सल ज्वाइंट होगा यानी कि हमारे पैर के अंगूठे का जो ज्वाइंट जो ज्वाइंट होता है वो ही सबसे पहले अफेक्टेड होता है और ये जैसे ही अफेक्ट होता है तो ये बहुत ही ज्यादा टेंडर होता है बहुत ही ज्यादा पेनफुल कंडीशन होती है एक्सेस अमाउंट में स्वेलिंग होती है रेडनेस देखने को मिलती है एंड uh, इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है तो इन सारी कंडीशन जब इस बिग टो के अंदर डेवलप होने लग जाती है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये कंडीशन गाउट की हो सकती है और इस कंडीशन को हम पोडाग्रा बोलते हैं यानी कि बिग टो uh, के अंदर जब ये गाउट का अटैक होता है और इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन को हम पोडाग्रा बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन फीलिंग इन बिग टो आफ्टर वेकिंग अप इन मॉर्निंग जैसा मैंने आपको बताया कि बर्निंग सेंसेशन होती है और स्पेसिफिकली किस टाइम पे होती है वेकिंग अप इन मॉर्निंग सुबह जब उठेगा पेशेंट तो उठने के बाद में थोड़ी देर में ही इस ज्वाइंट के अंदर बहुत ही एक्सेस अमाउंट में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलती है देन सीवियर पेन अवर्स आफ्टर अटैक एंड कैन लास्ट अप टू डेज एंड वीक बहुत ही ज्यादा टेंडरनेस की कंडीशन होगी जिसके वजह से एक्सेस अमाउंट पेन महसूस करेगा पेशेंट जैसे ही इसका अटैक आएगा और पेन जो होगा वो कुछ दिनों या कुछ हफ्ता तक भी रह सकता है इसके अलावा गाउट कैन अफेक्ट अदर ज्वाइंट्स लाइक नी ज्वाइंट एंकल ज्वाइंट रिस्ट जॉइंट एंड एल्बो ज्वाइंट इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फर्स्ट मेटाटार्सल ज्वाइंट होता है इसके अंदर यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लग जाती है जिसकी वजह से जॉइंट्स के बीच में यूरेट यूरे क्रिस्टल जम जाते हैं जो कि उनके अंदर फ्रिक्शन पैदा करते हैं रगड़ पैदा करते हैं इन्फ्लामेशन शो करते हैं जिसकी वजह से ये ज्वाइंट इन्फ्लेम हो जाता है स्वेलिंग हो जाती है और इन द एंड गाउट की कंडीशन डेवलप होती है एंड इन्फ्लामेशन ऑकर्स इन दोस्ट ड्यू टू एक्यूमलेशन ऑफ डब्ल्यू क्योंकि जैसे ही इन्फ्लामेशन आएगा इन्फ्लामेशन होगा तो ब्लड के अंदर जो भी डब्ल्यू एंड मैक्रोफेजेस होंगी वो इस जॉइंट्स की तरफ जाएंगे इस ज्वाइंट्स की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे इंट्रल्यूकिन का सिक्रेशन करेंगे प्रो uh, इन्फ्लामेटरी का सिक्रेशन करेंगे जो कि अदर इंफ्लामेटरी सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड इन द एंड इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन डेवलप होगी

अ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जो होते हैं वो कैल्सिफाइड हो जाते हैं और स्किन के नीचे ही uh, जमने लग जाते हैं जिसको हम अः uh, टॉफाइज भी बोलते हैं तो ये टॉफाइज किसमें मिलते हैं स्पेसिफिकली गाउट के अंदर देखने को मिलते हैं तो गाउट में क्या क्या देखने को मिल सकता है कि अगर गाउट अटैक्स बार बार होते रह रहे हैं तो ये क्रॉनिक कंडीशन डेवलप कर सकता है आर्थराइटिस टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर सकता है और स्किन uh, के नीचे टॉफाइज देखने को मिल सकते हैं और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किडनीज में भी डिपोजिट हो सकते हैं और किडनी स्टोन वाली कंडीशन भी डेवलप कर सकते हैं डायग्नोसिस हम किस किस तरीके से कर सकते हैं क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं लाइक हमें सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी जैसे ही गाउट अटैक आएगा मान लीजिए फर्स्ट बिग टो या फिर मेटाटार्सल ज्वाइंट के अंदर अगर अटैक uh, आता है जॉइंट जो होता है वो स्वेल हो जाता है तो हमें उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी लाइक सबसे पहले किस जॉइंट में हुआ बहुत ज्यादा पेन है टेंडरनेस uh, है स्वेलिंग है रेडनेस है बर्निंग सेंसेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस अटैक को आए हुए कितना टाइम हुआ है क्या पहले भी ऐसा कोई अटैक आ रखा है या फिर ये uh, एकदम फ्रेश अटैक है तो इस तरीके से हमें uh, इसकी पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी देन हम पेशेंट का सीबीसी करवा सकते हैं ई करवा सकते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड सैंपल के लिए भेज सकते हैं जो कि सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ई जो होगा वो हमें इंक्रीज अमाउंट में देखने को मिलेगा इसके अलावा एक्सरे ऑफ अफेक्टेड जॉइंट्स भी करवा सकते हैं सीरम यूरिक एसिड एनालिसिस करवा सकते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट में हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन तो नहीं है क्योंकि नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल टू टू सेवन मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है अगर सेवन से ऊपर है तो ये हाइपर यूरिसीमिया की कंडीशन हो सकती है इसके अलावा यूरिन एनालिस करवाया जा सकता है ताकि हमें ये पता चल सके कि यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड का सिक्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है एंड आर ए फैक्टर्स भी करवाया जा सकता है ताकि हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में मदद मिल सके कि ये कोई रिमेटेड आर्थराइटिस का केस uh, तो नहीं डेवलप हो रहा है इसके अलावा हम देखते हैं कि एक्सरेज ऑफ फुट इन गाउट कुछ एक्सरेज में आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूं जैसे कि ये नॉर्मल फुट का एक्सरे है और ये गाउट यानी कि फर्स्ट मेटाटार्सल ज्वाइंट का एक्सरे है जिसके अंदर गाउट को गाउट का अटैक डेवलप हो गया है इसमें फर्स्ट नॉर्मल फुट में फर्स्ट मेटाटार्सल ज्वाइंट है जो कि एकदम हेल्दी कंडीशन में इसमें किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं है लेकिन गाउट का अटैक आने के बाद में इसमें ये अः कैल्सिपिकेशन स्टार्ट हो गया है ये इसके अंदर बीच बीच में मोनोसोडियम मोनोसोडियमिट क्रिस्टल्स के डिपोजिशन हो गए हैं और ये पोडाग्रा वाली कंडीशन डेवलप हो चुकी है इस पेशेंट के अंदर इसके अलावा और देखें तो अः uh, ये दोनों ही अफेक्टेड जॉइंट्स हैं ये जो है इसके अंदर फर्स्ट बिग टो या फर्स्ट मेटाटार्सल ज्वाइंट के अंदर अः uh, इसका अटैक आ चुका है गाउट के अंदर uh, गाउट का अटैक आ चुका है तो इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं क्या डिफॉर्मिटीज देखने को मिल रही है कि ये जो जॉइंट का स्पेस है ये आ, कम हो चुका है इसके अलावा ये जो इरोजनस देखने को मिल रहे हैं यानी कि जो आ, बोन एकदम स्मूद होनी चाहिए थी वो स्मूद न हो के अब ये इसके अंदर डिफॉर्मिटी हो गई है एक नॉच बन गई है यानी कि बोन का इरोजन देखने को मिल रहा है एंड इसके आसपास का जो सॉफ्ट टिश्यू है जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर भी स्वेलिंग देखने को मिल रही है अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की यानी कि एलोपैथी के अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है इसमें या जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले है कि टू डिक्रीज द पेन एंड स्वेलिंग क्योंकि बहुत ही एक्सेस अमाउंट में पेन और स्वेलिंग हो रही है तो उसके अंदर डॉक्टर्स एन सेड्स का इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज करते हैं लाइक पैरासिटामोल या फिर डाइक्लोफिनेक का यूज करते हैं इसके अलावा भी अगर स्वेलिंग या पेन कम नहीं हो रहा है तो कॉर्टिको का यूज करते हैं या फिर कॉल जा सिन जाता की जो कि सी के माइग्रेशन को करता है। क्योंकि जैसे आपको बताया था इसकी पैथोलॉजी में कि जैसे ही आ, इन के बीच में डिपॉजिट होते हैं तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन डेवलप होती है डब्ल्यू बी सी वहां माइग्रेट होने लगते हैं जो कि उस इंफ्लामेटरी कंडीशन को और ज्यादा वर्स करते हैं तो इसीलिए ये डब्ल्यू बी सी के माइग्रेशन को रोकता है कौन रोकता है कॉल्चसीन रोकता है और आयुर्वेद में देखें तो कॉल्चसीन किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो मिलता है सुरंजान के चूर्ण में सुरंजान के चूर्ण में कॉल्चिन ज्यादा देखने को मिलता है और इसी सुरंजान चूर्ण का उपयोग ही हम गाउट के पेशेंट को ठीक करने में करते हैं इसके अलावा डाइट कर सकते हैं लाइक like पेशेंट को हम वेल well हाइड्रेटेड रहने के लिए बोलेंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाएगा इसीलिए पेशेंट को वेल well हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी जाती है एल्कोहल को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन को डेवलप करती है रेड मीट सी फूड एंड प्रोटीन रिच डाइट को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये सारे फूड की वजह से बॉडी में प्यूरिन का एब्जॉर्बन ज्यादा होता है प्यूरिन बहुत बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में बनने को आ, होता है जिसकी वजह से जब प्यूरिन ज्यादा बनेगा तो यूरिक एसिड भी ज्यादा बनने के चांसेस रहते हैं तो इसीलिए डाइट मॉडिफिकेशन करवाया जाता है पेशेंट्स का इसके अलावा पेशेंट को एक्टिव रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि अगर वो सीडेंट्री लाइफ में रहेगा तो सीडेंट्री लाइफ में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल एक्सेस अमाउंट में आ, आ, उसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाएंगे जॉइंट्स में तो जब जॉइंट्स में डेवलप होने लग जाएंगे तो फिर गाउट की कंडीशन क्विकली डेवलप होगी एंड डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल लाइक जेनथिन ऑक्सीडेज इनिबेटर्स कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जो कि जेनथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर दी थी क्योंकि जेनथिन ऑक्सीडेज क्या कर रहा था जो कि प्यूरिन मेटाबोलिज्म में हाइपोजेंथिन को जेंथिन में जैन्थीन को यूरिक एसिड में चेंज कर रहा था तो ऑक्सीडेज को ही इनिबिट कर दिया जाता है जिसकी वजह से यूरिक एसिड में चेंज नहीं हो पाएगा तो ये कौन कौन सी ड्रग्स होती है लाइक like, एलोप्यूरिनॉल तो एलोप्यूरिनॉल का आ, कौन कौन सी होती है जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर्स के रूप में काम करती है इसके अलावा यूरिको सूरिक मेडिकेशन क्योंकि मैंने बताया कि यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिन के थ्रू अगर पास नहीं होगा एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर डेवलप होता रहेगा तो उसी लिए को सूरिक मेडिकेशन यानी कि ये यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड को पास आउट करती है कौन कौन सी होती है लाइक like, प्रोबेन एसिट, प्रोबेन एसिड एसिड क्या करती है इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन तो आशा करता हूं कि आपको गाउट के ऊपर बनाया गया ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको गाउट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन क्वेश्चन का जवाब दे सकूं इसी के साथ ही Thank you so much. Please like, share, and subscribe. Shivat Thank you so much.